नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज शनिवार को कन्याकुमारी के मुलगुमडू से आगे बढ़ी है। कन्याकुमारी में कई जगहों से होते हुए यात्रा शाम को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। शुक्रवार को ये नागरकोविल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू होकर शाम कन्याकुमारी के अजागिया मंडपम जंक्शन पर पहुंची थी। गुरुवार सुबह कन्याकुमारी के अगस्तीस्वरम से ये पदयात्रा शुरू हुई थी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी महिला एक्टिविस्ट के साथ ही दलित एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है, ये यात्रा बीजेपी और RSS के द्वारा देश को पहुँचाए गए नुकसान के खिलाफ है। वो लोगों को सुनने आए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तेल की कीमतों को लेकर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि उनका कांग्रेस को सुझाव है कि वो अपनी यात्रा के दौरान भाजपा शासित राज्यों से तेल जरूर भरवा लें, इससे काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता है। पुरी ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के बजाय हरियाणा में ईंधन भरने से 3.07 प्रति लीटर, राजस्थान के बजाय यूपी में ईंधन भरने से 3.96 प्रति लीटर, तेलंगाना के बजाय महाराष्ट्र में ईंधन भरने से 3.55 प्रति लीटर, जबकि तमिलनाडु और केरल में ईंधन ना भराकर क्रमशः 6.35 लीटर और 8.63 प्रति लीटर बचाया जा सकता है। पुरी ने कहा कि कुल मिलाकर 12 राज्यों 3500 किलोमीटर और 150 जिलों में अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रति डीजल वाहन 1050 और 2205 के बीच बचत कर सकती है। उनके युवा नेता आमतौर पर लग्जरी वाहनों के विशाल दल और काफिले के साथ यात्रा करते हैं। वो इस सलाह के लिए मुझे बाद में धन्यवाद दे सकते हैं। वहीं पदयात्रा के दौरान कंटेनर्स को लेकर बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि काश अमित शाह और अमित मालवीय दोनों इन कंटेनरों को देखें और तब उन्हें पता चलेगा कि एक कंटेनर में रहना क्या है। ये रथ यात्रा की तरह नहीं है, ये टोयोटा यात्रा या इनोवा यात्रा नहीं है, हमारी एक पदयात्रा है, कंटेनर मेड इन चाइना नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव को लेकर पार्टी के 5 सांसदों ने चुनाव कराने वाली अथॉरिटी को पत्र लिखा है। इस पत्र में अध्यक्ष का चुनाव पारदर्शी ढंग से होगा या नहीं, इसे लेकर चिंता जताई गई है। ये पत्र कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी चीफ मधुसूदन मिस्त्री को 6 सितंबर को लिखा गया है। पत्र लिखने वालों में शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बोरदोलोई, मनीष तिवारी और अब्दुल खालिक शामिल हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सांसदों के संयुक्त पत्र में कहा गया है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके द्वारा मतदाता सूची को सार्वजनिक किए जाने की मांग की गलत ढंग से व्याख्या की जा रही है। सांसदों ने कहा कि वो पार्टी के किसी आंतरिक दस्तावेज को देने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी ये मांग है कि कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को प्रदेश कांग्रेस कमेटियों में जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं और जो अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता भी हैं, उस सूची को उपलब्ध कराना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को नए संगठनात्मक प्रभार दिए हैं। विजय रूपाणी, विप्लव कुमार देव, प्रकाश जावड़ेकर और महेश शर्मा सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न राज्यों में पार्टी मामलों का प्रभारी बनाया गया है। इसमें उन राज्यों के नए प्रभारी शामिल हैं जिनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता की ओर बड़े कदम बढ़ा रहे हैं। बीजेपी में इन नियुक्तियों का महत्व इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनके पास वर्तमान में कोई संगठनात्मक पद नहीं था और उन्हें अब नई जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने अपने महासचिव विनोद ताबड़े को बिहार का नया प्रभारी और बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है। पार्टी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय सह प्रभारी होंगे। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा को पूर्वोत्तर राज्यों का समन्वयक बनाया गया है और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा संयुक्त समन्वयक होंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी होंगे। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हरियाणा के लिए और जावड़ेकर केरल में पार्टी का काम देखेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और इसकी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम माथुर छत्तीसगढ़ में पार्टी के मामलों के प्रभारी होंगे और इसकी उत्तर प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड में काम देखेंगे। महेश शर्मा को त्रिपुरा मिला है जहाँ पार्टी सत्ता में है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। भाजपा का OBC मोर्चा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर में अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर रहा है। बैठक का उद्देश्य अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पार्टी के ओबीसी
वोट बैंक को मजबूत करना है। कल शाम जैसलमेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह सभा के दूसरे दिन या आज जोधपुर के एक होटल में महत्वपूर्ण बैठक के एक सत्र को संबोधित करेंगे। ओबीसी मोर्चा की बैठक के तुरंत बाद शाह जोधपुर के दशहरा मैदान में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। बता दें, भाजपा राज्य के पश्चिमी हिस्से में भी अपनी ताकत आजमाना चाहती है। ओबीसी माली समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अशोक गहलोत की पश्चिमी राजस्थान में अच्छी खासी मौजूदगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में छोड़े गए 11 दोषियों को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को गुजरात सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। ये नोटिस टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर भेजा गया है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को भी जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। इसके अलावा बेंच ने राज्य सरकार को छूट आदेश सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश करने का निर्देश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहतगी ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल से ये भी पूछा था कि सिर्फ इसलिए कि अपराध भयानक है। बता दें, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा सीपीएम नेता सुभाषनी अली, सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा, रेवती लाल ने भी दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की। इस याचिका पर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। बता दें, गुजरात सरकार के द्वारा इन दोषियों को 15 अगस्त को रिहा किया गया था और उसके बाद से ही सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। बिल्किस बानो के दुष्कर्मियों को सजा देने वाले जज ने भी दोषियों को रिहा करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। सेवानिवृत्त हो चुके जस्टिस यूडी सालवी ने कहा था कि सरकार को दोषियों को दी गई सजा उनके द्वारा किए गए अपराधों और पीड़िता के बारे में भी विचार करना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी किया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को गिरफ्तारी करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह बहुत ही सरल अहानिकारक लगता है, लेकिन असल में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमारा सुझाव है कि याचिका वापस ले ली जाए। इसके बाद याचिकाकर्ता की सहमति से याचिका को वापस लेते हुए खारिज मानने का फैसला किया गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा का गुरुग्राम में होने वाला शो रद्द कर दिया गया। ये शो इसी सितंबर महीने की 17 से 18 तारीख में होने वाला था। वीएचपी और बजरंग दल ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके शो का विरोध करने की धमकी दी थी। शो रद्द होने को लेकर कुणाल कामरा ने तंज कसते हुए कहा कि वो हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाता है जिसका हम दावा करते हैं, वो हमारे देवताओं का मजाक उड़ाता है जो हम सोचते हैं। शो रद्द होने को लेकर कुणाल कामरा ने तंज कसा है। कुणाल कामरा ने ट्वीट कर लिखा कि वो हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाता है जिसका हम दावा करते हैं, वो हमारे देवताओं का मजाक उड़ाता है जो हम सोचते हैं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसका शो हमारी शांति भंग करता है। हम में से 12 लोग नहीं चाहते कि शो हो और 500 ने इसे देखने के लिए टिकट लिया है, कुणाल कामरा ने कहा। तो अधिकारियों को क्या करना चाहिए? ये UPSC का 10 अंकों का प्रश्न है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।